नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माता दी। मु पंकजनी एजुकेशन समस्त छात्र छात्री को यूट्यूब चैनल प्लस टू एजुकेशन एस्पायरेंट्स स्वागत अभिनंदन जनाऊँ। पिला माने मो सांगरे जोड़ी जाओ, एजुकेशन रे तुम्हें 70 रु 70 मार्क्स निश्चित भाव में आणबो। ओके, आम जो लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक सिलेक्ट करे ताकू तुमको देदेवी एवं सिलेक्टिव 2 मार्क्स क्वेश्चन गुड़िक देख एवं MCQ पाई आमे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सब MCQ करिबा विथ वेरी सिमिलर टेस्ट। सो जो मैंने एपर्यंत सब्सक्राइब करना चैनल टी सब्सक्राइब करनि, ठीक अच्छे। आज आम महात्मा गांधी प्रदत्त मौलिक शिक्षा कौन एवं यार वैशिष्ट्य गुड़ी आम देखा अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन आम यहाँ किभली भाव में उपस्थापन करवा देखा। तो पाने प्रश्नटी को देखा और तार उत्तर तुम किपर भाव लिखा बुझा। ओके, ए बुझीबा समय रे कहिला समय रे तुम्हें जेपरी मनस्थ हो प्रति मु दृष्टि देवी, ठीक अच्छे। प्रश्नर उत्तर टी जेपरी तुम मन रही तापर मु दृष्टि देवी। ओके, देख जो क्वेश्चन अच्छे मौलिक शिक्षा कौन यार मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक विषय आलोचना कर। ओके, तो ये मौलिक शिक्षा अच्छी प्रथम तो तुमको लिखा पड़ो जो महात्मा गांधी जो मौलिक शिक्षा विषय रे चिंता करते के मसीहारे के सम्मेलन रे तार नीति उपस्थापन होता। ओके, तापर ताको आउ कौन कौन कहुए परवर्ती पर्याय तुमको मौलिक शिक्षार अर्थ कौन ताको लिखा पड़ो तापर जा यार मुख्य वैशिष्ट गुड़ी को आलोचना कर सर्वशेष शेष कथा 5 रु 6 धाड़ी लिखिकी तुमको प्रश्नर उत्तर टी शेष करने को पड़ो। बुझा पड़ा? ओके, ताहले आमे चलो आरंभ करवा यार उत्तर टी आम कि भाव में लिखा। देख बहुत गुड़े टेस्ट पेपर बहुत प्रकार लिखाही है बाछी एवं यह मझे मझे किटा कह भी जहाँ को तुम निश्चित भाव में मेनसन कर और जो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट रुक तुम्हें मार्क करदेव तले अंडरलाइन करदेव जहाँफल कि एग्जामिनर ताको देखिकी तुमको अधिक मार्क दे पारे। अधिक मार्क अर्थ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली 5 रु 5 मार्क तुम्हें पाइबार सक्षम हो। मौलिक शिक्षा को बेसिक एजुकेशन कहा जाए था। ओके, बेसिक शब्दी बेस शब्द रु आनीत जार अर्थ हूँ मूलदुआ फाउंडेसन बा बटम जहाँ उपर समस्त गठन गठनात्मक कार्य निर्भर करिथाय एवं महात्मा गांधी निजर शिक्षा चिंताधारा को कार्य प्रयोग करने केते मसीह 1937 मसीह एक शिक्षा नीति स्थिर करते जहाँकि 1937 मसीह अक्टोबर 22 और 23 तारीख में वार्धाठे अनुष्ठित होता क्यों सम्मेलन सर्वभारतीय शिक्षा सम्मेलन से यही नीति को उपस्थापन करते पॉइंट को तुम निश्चित भाव में लिख। ओके, 1937 मसीह अक्टोबर 22 और 23 तारीख में वार्धाटे अनुष्ठित होता सर्वभारतीय शिक्षा सम्मेलन रे से यही मौलिक शिक्षा नीति को प्रथम थर कर उपस्थापन करते शिक्षा नीति मौलिक शिक्षा बा वार्धा योजना नाम परिचित यह नई तालीम एवं बुनियादी शिक्षा मध्य कहुए एवं ये वार्धा स्कीम है तुम मौलिक शिक्षा है यह डिसेंबर मास 1937 डिसेंबर मास जाकिर हुसैन कमिटी तांकर पूर्णांग रिपोर्ट एवं बुनियादी शिक्षार पाठ्य खसड़ा प्रदान करिथिले किए कहार अध्यक्षता रे जाकिर हुसैन कमिटी अर्थात जाकिर हुसैन का अध्यक्षता रे। ओके, यहाँ बुनियादी शिक्षा मध्य कहुए एति लिखिल तापर उक्त शिक्षार मूल लक्ष्य थिला कौन अर्थात मौलिक आवश्यकता पूरण करवा जेपर मौलिक आवश्यकता कहले कौन खाद्य वस्त्र और बासगृह समस्यार समाधान, ठीक अच्छे। ये मौलिक शिक्षा महात्मा गांधी तीनोटी जाकर विकास साधन प्रति गुरुत्व दे कौन कौन ता शरीर मन और आत्मार विकास साधन करवा, ठीक अच्छे। गांधी मत शिक्षार अर्थ कौन ताको तुम मेनसन कर जे तांको मतरे शिक्षार अर्थ हूँ शिशु बा शरीर मनीषर शिशु बा मनीषर शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक गुणर सर्वांगीन विकास। ओके, तापरे मौलिक शिक्षा कहीं कहा जाए मौलिक शिक्षा कौन ताको लिखिबो तुम्हें
मौलिक शिक्षा प्राथमिक स्तर में शिक्षार्थी मान प्रदान करा जाए। यह प्राथमिक स्तर स्तर शिक्षार मूल स्तर अटे, मूल दुआ यह। तो यह शिक्षा देशवासी मौलिक समस्या यथा खाद्य वस्त्र एवं बासगृह समस्या समाधान पाई उद्दिष्ट थिला। ठीक अच्छे, एवं आउ कौन कौन थिला ताको तुम्हें लिखिबो। मौलिक शिक्षा बा बुनियादी शिक्षार निम्नलिखित तो वैशिष्ट्य गुड़िक भारतीय चालचलन वृत्ति सामाजिक एवं सामूहिक आवश्यकता को आखि आगे रखी निर्धारण करा जाई। ओके, ए जो मौलिक शिक्षा नीति अछि एहा भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक आध्यात्मिक तथा अर्थनैतिक आवश्यकता उपर पर्यवेक्षित थिला एवं शिक्षार्थी मानकर सर्वांगीन विकास उपर गुरुत्व प्रदान करूथिला। इतिक निश्चित भाव रे लेखिबो। ठीक अछि, तापर आम मौलिक शिक्षार वैशिष्ट्य बा यहार मुख्य नीति गुड़ी को लेखिबा। ओके, यार मुख्य नीति गुड़िक कौन देखनीय। प्रथमटी हूँ अवैतनिक तथा बाध्यतामूलक सार्वजन प्राथमिक शिक्षा। गांधीजी केतरु केते वर्ष पर्यंत शिशु मानू अवैतनिक तथा बाध्यतामूलक सार्वजन प्राथमिक शिक्षा देवा कथा कही 7-14 वर्ष। कहीं जो 7-14 वर्ष अच्छे मूलद्वा फाउंडेशन स्टेज बोली कहा जाए। 7-14 वर्ष पिला अवैतनिक सार्वजन बाध्यतामूलक प्रदान फल कौन हम गणतंत्र सर्वाधिक सफलता लाभ कर बोली से चिंता करूँ। ओके, से प्राथमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा सह संप्रक्त करी कौन करने नाम देते इंग्लीश लेस मेट्रिकुलेसन नाम देते। से कौन नाम देते इंग्लीश लेस मेट्रिकुलेसन नाम देते क्या प्राथमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा सह संप्रक्त करी यहाँ इंग्लीश लेस मेट्रिकुलेसन नाम देते। ठीक अच्छे, नेक्स्ट कुटीर शिल्प केंद्रिक शिक्षा, धंदा केंद्रिक शिक्षा, कुटीर शिल्प केंद्रिक शिक्षा जहाँ कहले हम बा हस्तकर्म केंद्रिक शिक्षा। ठीक अच्छे, मौलिक शिक्षा कुटीर शिल्प बा हस्तशिल्प केंद्रिक थिला। गांधी मतरे यह शिक्षा, यही शिक्षा एक उत्पादनधर्मी शिक्षा केंद्रिक प्रक्रिया। ओके, यहाँ धंदा केंद्रिक शिक्षा मध्य कहा जाए। धंदा बा हस्तशिल्प द्वारा कौन हम शिक्षार्थी मानसिक दैहिक और आध्यात्मिक विकास साधित होई थाए। ये सब गुड़ाक तुम लिखे हरिजन पत्रिका जो लिखी हस्तशिल्प मध्यम शिक्षादान जी एकमात्र उपयुक्त पथ ए विषय मौल तीन अविश्वास नहीं। ओके, एगुड़ी कोड़ी मेंशन करिबो। मु विश्वास करे जे हस्त पद चक्षु कर्ण प्रभृति इंद्रिय मानकर उपयुक्त व्यवहार द्वारा मानस प्रकृत मानसिक बा बौद्धिक शिक्षा लाभ करा जाए। ओके, धंदा गुड़िक मध्य माध्यम रे से शिक्षा देबा उपरे गुरुत्व दउथिले। से को धंदा को इनक्लूड करथिले लुगा बुणीबा, सूता काटिबा, कृषि काम इत्यादि अंतर्भुक्त थिला। ओके, कुछ मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा। महात्मा गांधी कौन कहते मातृभाषा को अधिक जोर दौले, मातृभाषा माध्यम शिक्षादान पर गांधीजी अधिक जोर दौले। से कहते जे मातृभाषार उन्नति नहले मातृभूमि उन्नति हो पार ना। ओ कौन कहते मातृभाषा माध्यम शिक्षादान कले शिक्षार्थी खूब सहजरे पाठ्य विषय बुझिपा और शिक्षक शिक्षार्थी मध्य भाव विनिमय सहजरे होई पारे एवं तार बौद्धिक विकास पाई कौन सी प्रतिबंधक सृष्टि हेबो नाही। इंग्राजी भाषा अनावश्यकता उपलब्ध करिबा समस्त प्रधान कर्तव्य। इंग्राजी भाषा माध्यम निजर जो भाव अच्छी भाव विनिमय सहजरे हो पारना से जहाँ भावुच व्यक्त करना तार जो सामग्रिक विकास अच्छी ता भल भाव हो पारना बोली महात्मा गांधी कहते। नेक्स्ट पॉइंट हूँ आत्मनिर्भरशीलता, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन। शिक्षार्थी मैंने जो धंदा बा हस्तशिल्प मध्यम शिक्षा अर्जन करेंगे ताद्वारा उत्पन्न वस्तु द्वारा से माने ताकु बजार बिक्री करी किछि अर्थ उपार्जन करी पारिबे एवं निजर विद्यालय खर्च बहन करंती। सेठारे एहा शिक्षकंकर पारिश्रमिक एवं अन्यन खर्च बहन
କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଅନୁବନ୍ଧ ବା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କୋ ରିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ବିଷୟକୁ କୋ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧନ୍ଦା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା ଓକେ ଏପରିକି ଏହା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଠ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଭୂଗୋଳ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାଠ କେଉଁ କେଉଁ ଜଳବାୟୁରୁ ମିଳିଥାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ତ ଅହିଂସା ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଧର୍ମଗତ ହିଂସା ଓ ବିଦ୍ୱେଷକୁ ଦୂର କରାଯାଉଥିଲା ଓକେ ବୁନିଆଦୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗତ ହିଂସା ଓ ବିଦ୍ୱେଷକୁ ଦୂର କରାଯାଉଥିଲା ଏହା କେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ଯେଉଁ ଛଅଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏତିକି ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଗରିକତାର ଆଦର୍ଶ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଗରିକତାର ଆଦର୍ଶ ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଶିଶୁ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜର ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ଓକେ ଏତିକି ସାତଟି ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶେଷ କଥା କ'ଣ ହେବ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ଥିଲା ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ଧନ୍ଦାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ହୁଏତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଶେଷ କଥା ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଯେହେତୁ ତୁମର 2019, 20, 21 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁକିଛି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ମାତା ଦୀ